अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू गोभी का पराठा, जो कि बहुत इजी है। आप आलू गोभी बनाएं, अगर कोई ना पसंद करे या बच्चे ना खाएं तो आप उसे पराठे में डाल के दें, उनको भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी है हमारे पास जिसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने भी सब्ज़ी बनाई हुई है तो आज ये पराठे ज़रूर ट्राई करें। सब्ज़ धनिया है 2 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च है 1 टेबल स्पून, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। ये इस वजह से डाल रही हूँ कि जब गोभी का पराठा हम बनाते हैं तो उसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आती है। फोक की मदद से हमने सब्ज़ी को मैश कर लेने। मैश कर लिए, अब हम ये मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गई है। मिक्स अच्छी तरह होनी चाहिए, नहीं तो पराठे में जब हम इसे रखेंगे तो ये पराठे को सुराख करेगी। ऐसे करके बहुत ही इजी पराठा सर्दियों में बनाएं। ये हो गई है। अब हम करेंगे पेड़े 2 छोटे साइज़ के। इसी तरह दूसरा कर लेंगे। इस तरह लिया हमने, हाथ पे रखा, कर लिए हमने 2। हम बनाएंगे 2 पराठे, तो करते हैं 4 पेड़े। अब हम करेंगे रोटी बेल। सबसे पहले खुश्क आटा लेंगे, इसे थोड़ा सा हाथ भी कर लेंगे, इससे ये होगा कि रोटी बेलने में आसानी होगी। अब मिड में रख के रोटी को घुमाते जाएंगे। रोटी को ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना, जब हम सब्ज़ी डालेंगे तो तब भी हम रोटी को हाथ पे करेंगे। अगर पहले ही हमने कर लिया तो रोटी में सुराख हो जाएगा या बिल्कुल बारीक होकर सब्ज़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये हमने कर लिए, इसी तरह हम करेंगे दूसरी रोटी पे। इसको रखते हैं एक प्लेट पे। इसी तरह हम ये भी बेल कर लेंगे। साइड हमने चारों इसकी इक्वल बेल करनी है, कहीं से मोटी और पतली ना रहे। रोटी बेलने के साथ तब चिपकती है जब हम खुश्क आटा नहीं डालते, कहीं पर आपको लगे तो आप ऐसे करके डाल दें तो रोटी नहीं चिपकेगी। इसी तरह हम अपनी चारों रोटियां बेल कर लेंगे। चारों रोटियां हमने बेल कर ली हैं। मोस्टली लोगों के पराठे जो बनाते हैं तो वो खुल जाते हैं साइड से, तो ये देखने के लिए मेरी पूरी वीडियो को आप देखें। मैं लास्ट पे बताऊंगी टिप कि ये क्या करने से आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसकी साइड्स को हम कैसे बंद करेंगे तो ये देखना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। इस रोटी के अंदर अब मैं रखूंगी सब्ज़ी। सब्ज़ी ज़्यादा भी नहीं रखनी, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली है। इसको फोक की मदद से आप अच्छी तरह लगा लें। फोक ले लें आप, स्पून ले लें, स्पून से भी लग जाएगी, फोक से ज़्यादा इजी स्पून पर है। अब मैं आपको दूंगी एक टिप जो कि पराठा जब बनाते हैं तो मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि रोटी खुल जाती है। इसको लॉक हम कैसे करेंगे, इतनी सब्ज़ी बहुत है। अब आप देख रहे हैं कि सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च हर साइड पर है, जब आप खा रहे होंगे तो एक अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने अपनी रोटी की दूसरी साइड ली, इसको हमने करके रखना है इसके बराबर। ये देखें साइड से हमने इसको इसके बराबर कर दिए। ये हो गई है बराबर और
निकाल लेते हैं। अब आपने देखना है कि हम रोटी को कैसे करेंगे कि हमारी रोटी इस तरह बीच से खुले ना, जब हम तवे पे डालें। ये लॉक करने के लिए आपने फोक से करें इसको प्रेस, तो दोनों साइड्स जो हैं आपस में अटैच हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं करेंगी। एक और भी आइडिया है जो कि मैं दूसरे पराठे पे दूंगी, इसी तरह पूरे को हम कर लेंगे। इसके बाद हमने रोटी को उठाना है, थोड़ा सा हाथ पे करना है कि सब्ज़ी जो है वो सारी रोटी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे कि आपने देख लिए जो साइड्स पे नहीं हुई थी उससे अब रोटी बड़ी हो गई है और सब्ज़ी एंड तक आई है। अगर हम बेलना यूज़ करेंगे तो रोटी बेलने के साथ चिपक जाएगी, हाथ पे करेंगे हम तो। अब हम इसे डालेंगे तवे पे। तवा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इस पे रोटी। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है। जब इसकी साइड हो जाएगी तो मैं बताऊंगी कब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और अगर आप ऑयल पसंद करते हैं तो ऑयल लगाएं, घी पसंद करते हैं तो घी लगाएं। मैं लगाऊंगी घी। आप देखें हमारी ये साइड नज़र आ रही है कलर चेंज हो गया है। इस पॉइंट पे हम करेंगे साइड चेंज, ये चेक करें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। अब हम डालेंगे घी, तकरीबन 1 मिनट नीचे वाली साइड रहेगी, फिर हम साइड चेंज करेंगे। अब हम करेंगे इसकी साइड चेंज। ये चेंज करने के बाद आप थोड़ा सा इसे करें, हाथ से ही करना। ऐसे करके आप हम करेंगे साइड चेंज। अब हम चेक करते हैं नीचे वाली साइड तैयार होती है, अब हम पराठे को उठा लेंगे। अब करते हैं हम दूसरा पराठा तैयार। अब हम अपना दूसरा पराठा स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैं बताऊंगी आपको, अब इसके साइड्स पर हम लगा देंगे पानी, पानी से भी आपकी साइड्स नहीं खुलेंगी। एक साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड इसके साथ खुद ब खुद अटैच हो जाएगी। अब हम डालेंगे सब्जी। इसी तरह जैसे पहले पराठे पे की थी, दरमियान में रखें साइड जो है, कॉर्नर्स वहाँ तक ना लेके जाएं। जब हाथ पे हम करते हैं तो खुद ब खुद हो जाती है, अच्छी तरह हमने लगा ली है। अब हम रखेंगे इसकी ये साइड, इसको हम करेंगे इधर इस साइड में। साथ साथ आप इसको यहाँ से प्रेस करते जाएं। प्रेस करने से ये होगा कि जो ये वाली साइड है और ये आपस में अच्छी तरह अटैच हो जाएंगी। हमने किस साइज़ का पेड़ा लिया था, रोटी देखें किस साइज़ में तैयार हुई है। ज़्यादा साइज़ के जो बड़े साइज़ के आप पेड़े करेंगे वो रोटी जो है जब सब्ज़ी जाएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो कि खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। नॉर्मल साइज़ के करें, हाथ पे थोड़ा सा करने से देखें रोटी और साइज़ में बड़ी होगी ये। अब हम इसे डालेंगे। साइड चेंज। इस पे डालेंगे हम ऑयल,
ऑयल डाल दी है हमने, अब हम करेंगे इसकी साइड चेंज। साइड चेंज करने के बाद आप चिमटे के बजाय हाथ यूज़ करें। सब्ज़ी डाली होती है जब हम चिमटे को यूज करते हैं तो ये बीच में सुराख कर देती है रोटी की। करेंगे साइड चेंज, आप देख लें कि साइड्स कितनी अच्छी तरह बंद है। हवा निकालने के लिए हम इसको सुराख कर देंगे। ऐसे आप इसको घुमाते रहें, बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि घर में सब्ज़ी बनी होती है, खाने के बाद बच जाती है, आप वेस्ट मत करें, बच्चों को ऐसे बना के दें, लंच बॉक्स में दें, आप ख़ुद बना के खाएं। सर्दियों में तो ऐसे भी अच्छा लगता है, आप दिन को खाएं, शाम को खाएं या सुबह खाएं, तो इसलिए चीज़ों को वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। अब तैयार हो गई है, हम इसे डालते हैं। हम इसे निकाल लेते हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। इतना ज़बरदस्त बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास सब्ज़ी बनी हुई है तो आज ही ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।